जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल से एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जो पीएमओ से जो रिसिप्ट है, जिसमें आपको पता है वो एक जिसमें डेट लिखी हुई है कि 1 तारीख को ये किसी ने डाला था आरटीआई, और उसके खिलाफ वापस जो पीएमओ ने जो रिप्लाई की है, उसकी जो रिप्लाई वाला जो वीडियो वो काफ़ी वायरल हो रहा है। और बहुत सारे लोगों को, जैसे कि आप देख रहे हो इधर, तो बहुत सारे लोग ये बात बार बार पूछ रहे हैं, क्या सर ये सही है, सही है? तो ये वीडियो उसी के बारे में दोस्तों। साथ ही बता दूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो जुड़ जाइए। और मैंने कल एक फिटनेस चैलेंज के लिए वीडियो बनाया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप उस फिटनेस चैलेंज को पूरा करते हो उसकी कंडीशन के अनुसार, तो आपको मेरी तरफ से लोअर और टी शर्ट गिफ्ट में दी जाएगी, जो कि मैंने उसमें बता रखी है, आपको एड्रेस पे भेज दी जाएगी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और नीचे वीडियो में जाके भी आप मेरी प्रोफाइल चेक करके भी देख सकते हो दोस्तों। तो उसमें जो चैलेंज दिया गया है वो आप पूरा कर सकते हो। और जो लोग नई SSC GD की जो तैयारी करने वाले हैं, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, नीचे मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी कि क्या ये सही है, और अगर सही है तो क्या फ़ायदा है इसका। तो पहली बात तो दोस्तों कि ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। पीएमओ ने जो रिप्लाई की है कि SSC GD का जो रिज़ल्ट है, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आएगा, मतलब एज सून एज पॉसिबल। लेकिन आपको बता दूँ, ये बात तो पहले से ही मैं भी जब बोला था, आप स्टेटस रिपोर्ट को लेकर जब आप इतने टेंस हुए थे, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही थी, तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बोला कि आपको इतनी मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें मैंने विथ प्रूव किया था आपको कि अगर स्टेटस रिपोर्ट में अगर रिजल्ट नहीं आया है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि रिजल्ट इस डेट में नहीं आएगा। स्टेटस रिपोर्ट केवल जो फिक्स डिक्लेरेशन होते हैं उनकी आती है, और SSC GD फिक्स डिक्लेरेशन नहीं है, कभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है। तो उसमें लिखा हुआ एज सून एज पॉसिबल। तो दोस्तों हाँ, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आ जाएगा, जैसे कि आप कॉल भी कर रहे हो, वो ईमेल भी भेज रहे हो, जो SSC GD की जो मेल है या उस नंबर पे, तो भी दिसंबर लास्ट या January 1st आज के लिए बताने गए लग गए हैं, इतने दिन तक दिसंबर की 3rd वीक की बता रहे थे। लेकिन दोस्तों, इससे ये क्लियर नहीं होता कि आपका रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा, लेकिन हाँ, एज सून एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, ये जो आप देख ही रहे हो सामने नोटिफिकेशन, आप खुद सभी ने देखी होगी कि काफ़ी वायरल हो रहा है इस पर। लेकिन हाँ, इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि भाई फिक्स रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा, लेकिन हाँ, दिसंबर लास्ट तक या January 1st तक, जैसे कि वहाँ से भी आ रही है, और आप सभी को पता है कि तब तक रिजल्ट आने वाला ही है दोस्तों। तो ये बात तो सही है, इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है, और आपका जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर PMO रिप्लाई करता है क्या कहीं को? बिल्कुल करता है। अगर आप उसको जब भेजते हो मेल, अच्छे रूप से भेजते हो, उनके जो चीज़ आपकी पूछनी होती है और उनके अंडर में जो चीज़ होती है, तो हाँ, वो रिप्लाई करते हैं। अब ऐसा नहीं करना कि आप सभी उनको मेल करने लग जाओ सभी के सभी, और फिर आप सोचो कि सभी की रिप्लाई करेंगे, तो सभी की रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। उनको जो वाजिब लगती है, अगर आप सभी करोगे तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आएगी, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहता है उनका भी, तो ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, जितना कर पाते हैं उतना ज़रूर करते हैं। तो SSC GD का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, ये अब थोड़ा सा इंतज़ार और करना आपको दोस्तों, बाकी बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। जय हिंद।